घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होने पर जिलाधिकारी को राष्ट्रीय लोकदल ने प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि भारत सरकार को गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हुए दामों को वापस लेना चाहिए। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यकर्ता सौरभ चौधरी ने गैस सिलेंडर की अर्थी निकाली। बताया गया कि जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि गैस सिलेंडर में हुई वृद्धि भारत सरकार को वापस लेनी चाहिए। त्योहार पास में है जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। मिठाइयां महंगी हो जाएंगी, एकदम से 50 रुपए बढ़ाने पर आम जनता की कमर तोड़ दी है। जल्द से जल्द भारत सरकार को बढ़े हुए दामों को कम करने की आवश्यकता है। क्या नाम है? अंकित यादव। आज की स्थिति को देख रहे हो तुम क्या है, ठीक है? लोगों के पास दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ठीक है? इधर प्रधानमंत्री जी रेटों को और बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है? क्या है कि गरीबों में इतना तो वो है नहीं है, त्यौहार भी आ रहा है, ठीक है? सब खर्चे भी देखने, सिलेंडर की महंगाई कितनी तेजी से हो गई है। प्रधानमंत्री से मांगे कि सिलेंडर की रेटों को कम किया जाए तड़ा तथा ये 50 रुपए जो बढ़ाए गए हैं वो वापस लिए जाए। तो किसी संस्था या पार्टी के बैनर पर नहीं, राष्ट्रीय लोकदल से हैं हम। सौरभ चौधरी है। सौरभ जी, आज सिलेंडर को अर्थी पर लेकर आए हैं, क्या है, किस तरीके? आप तो देख ही रहे हो देश में कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है। ऐसे में सिलेंडर के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, कभी पेट्रोल के बढ़ जाते हैं, कभी डीजल के बढ़ जाते हैं। अब त्यौहार सिर पर है, त्यौहार आने वाला है होली पर, ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ जाएगा सिलेंडर की रेट बढ़ने से। कुछ दिन पहले भी 50 रुपये बढ़ाए हैं, इसका हम विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि बढ़े हुए पैसों को वापस लिया जाए। रात्रि दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट।